कोर्ट में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करेगी तब साक्ष्यों की जानकारी मिलेगी, लेकिन इस बीच कानूनी प्रक्रिया पर सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। वो स्थान जहां शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे। एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूं, देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। और इधर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही थी और मस्जिद ही रहेगी। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो असदुद्दीन ओवैसी ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया और सुप्रीम कोर्ट में जिस आधार पर ज्ञानवापी सर्वे को चुनौती दी गई है वो यही कानून है। ये कानून है क्या, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और इस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की जो सरकार थी उस दौरान ये कानून आया था। हर धार्मिक स्थल की स्थिति 15 अगस्त 1947 जैसी ही रहेगी। इसे ध्यान से समझिएगा कानून को, क्योंकि इसी के आधार पर आज दलीलें पेश की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं पर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, इसका ये मायना है। अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी, ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अयोध्या केस क्योंकि पहले से कोर्ट में था इसीलिए इस कानून से अयोध्या केस को बाहर रखा गया। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही ये सरकार कानून लेकर आई थी और ये कानून की जब इसने शक्ल ली उसके बाद से अब ये जो कानून है इसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुमार कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में जिस कानून के हिसाब से, जिस कानून के आधार पर आज दलीलें पेश की जाएंगी, लेकिन क्योंकि सिविल कोर्ट में बड़ा डेवलपमेंट होना है, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हो सकता है कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश ना की जाए, इसकी संभावना कितनी है? और अगर ऐसा होता है तो कल जो दलीलें दी गई थी और उसके ऊपर जो आदेश आया था, क्या वो यथास्थिति बरकरार रहेगी जब तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर दी जाती है और उसे लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है? देखिए पूर्णिमा, कल जो शाम को डेवलपमेंट हुआ उसमें बनारस के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो पहुंचे ज्ञानवापी मस्जिद में और सबसे पहले अदालत के आदेश के बाद उस जगह को सील कर दिया गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सील अगर अदालत के आदेश की तरफ से हुआ है तो अदालत के आदेश की तरफ से ही खुलेगा,
अब निश्चित रूप से सील खुलवाने के लिए जो प्रतिवादी पक्ष है वो अदालत का रुख करेगा। अब अदालत उस पूरे मामले को क्या लेती है, किस तरीके से लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सर्वे की बात है या वीडियोग्राफी की बात है, तो मैंने फिर बताया कि 32 GB के तकरीबन 8 चिप हैं, और जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनका कहना है, जो ऑफ रिकॉर्ड मेरी बात हुई थी, कि उस पूरे वीडियो को एक परत से देखना, वीडियो फुटेज को, और उस देखने के बाद उस पर रिपोर्ट बनाना, ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो हम लोग उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कल तकरीबन 11 बजे तक तो वीडियोग्राफी का काम ही हुआ है, और 2-3 दिन पहले से भी फुटेज है। इसके अलावा जो पहले कोर्ट कमिश्नर है उनके पास 6 और 7 तारीख का भी वीडियो है। तो ये सारे जो वीडियो हैं उस पर रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में संभव है 1-2 दिनों की देरी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि कोर्ट कमिश्नर इस बात को लेकर अदालत के सामने प्रे करें कि हमें 1-2 दिन का और वक्त दिया जाए, उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करें। तो एक सस्पेंस ये ज़रूर बना हुआ है कि आज जिसकी उम्मीद की जा रही है कि 12:30 बजे तक जो कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, संभव है उसमें देरी हो सकती है और 1-2 दिन का वक्त दिया जा सकता है। पूर्णिमा, पेश होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े डेवलपमेंट्स आज देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका जानकारी के लिए, और साथ ही पीयूष भी मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।